उस ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सागर मंथन पर प्रथम बार भेजा और उधर से काल ने अपने श्वासों से ये पांचों वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इन्होंने वहां सागर मंथन किया तो काल ने चार वेद तो प्रकट कर दिए, पांचवा वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा की विशेष जानकारी और उसके पाने क्या मेथड था, विधि थी। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उससे पहले उनकी माता कहा करती थी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, ये पूछते थे माता हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मेरे से अतिरिक्त कोई प्रभु कोई स्वामी नहीं, मैं ही सबकी माता हूँ और मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस बात से बच्चे संतुष्ट थे कि माँ जो कह रही है वो सत्य है। फिर ब्रह्मा जी ने पढ़ा चारों वेदों को, उसमें स्पष्ट किया है कि वेद ज्ञान देने वाला भी ये ब्रह्म भी कह रहा है कि एक पूर्ण परमात्मा है, उसी की साधना करनी चाहिए, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। तब ब्रह्मा ने शंका व्यक्त की कि माता आप तो कह रहे थे कि और कोई प्रभु है नहीं, वेदों में लिखा है कि वो तो परमात्मा साकार है, सदृश्य है, मनुष्य दृश्य है, उसको उसके दर्शन किए जा सकते हैं साधना करने से। अब दुर्गा असमंजस में पड़ गई क्योंकि दुर्गा ने फिर बताना पड़ा कि बेटा वो परमात्मा निराकार है और वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा किसी भी साधना से। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आपकी बात पर मुझे अब अविश्वास हो गया, पहले आप कुछ कह रही थी, अब वेदों को पढ़ा, इसमें विधि लिखी है पाने की, तो मैं परमात्मा पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि वो नहीं मिलेगा क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है ब्रह्म ने कि मैं कभी किसी भी वेदों में वर्णित विधि से, जप से, तप से, यज्ञ से किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने चार युग तक हठ योग किया, ओम नाम का जाप किया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर और कर्तुम समर। अब ब्रह्मा ने देख लिया कि ओम नाम के जाप करने का निर्देश है, विधान है, और आकाशवाणी वो हठ योग वाली काल की थी, वेद ज्ञान जो है परमेश्वर का दिया हुआ है, चारों पांचों वेद परमेश्वर कबीर देव जी ने इस काल के ब्रह्म के सरपुरुष के हृदय में अंतःकरण में फीड कर दिए थे, इसने समय आने पर ये विवश हो गया इनको निकालने के लिए। परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया, हमने बहुत गलती कर रखी है। तो उस समय काल ने फिर एक चाल चाली पांचवा वेद नष्ट कर दिया। आकाशवाणी से तो ले लिया हठ योग ब्रह्मा जी ने और वेदों से ले लिया ओम मंत्र। अब इनकी मति मारी गई, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि उस परमेश्वर को कोई तो साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, कोई जन्म लेने वाला कहता है, कोई जन्म नहीं लेता ऐसा बोलता है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। उसके लिए स्पष्ट बता दिया कि वो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत देंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में अंतिम मंत्र है, 40वें अध्याय का और यजुर्वेद का भी अंतिम मंत्र है, 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है। इसमें ये ब्रह्म कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है और वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
एक से लेकर चार में बताया है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको तत्व से जानता है, सब पार्ट्स के साथ जानता है, पत्ते क्या है, जड़ क्या, कौन भगवान है, तना क्या है, शाखा और डार क्या है, तो वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सूक्ष्म वेद में, अपने अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, अर्थात इस तत्व ज्ञान में बता रखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, जड़ प्रोक्ष हैं, वो गुप्त हैं, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वह पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है। अब यहाँ थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं, जिस कारण से ये सभी ऋषि महर्षि भ्रमित रहे और काल तक की साधना करके इसी के जाल में फंसे रहे। देखिएगा यजुर्वेद महर्षि दान सरस्वती कृत आर्य समाज प्रवर्तक प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अनुवाद करता है इसके महर्षि दान सरस्वती 40 के 40 अध्याय, मुद्रक ये हैं इसके। अब यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र, 2-3 मंत्र हैं, बिल्कुल निर्णायक ज्ञान देते। पहले तो ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जो वर्णन है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से समझ, तो यहाँ पर भी वही है। ये 40वां अध्याय है और इसका 10वां मंत्र है। हे मनुष्यों, इन्हीं का अनुवाद है, हे मनुष्यों जैसे हम लोग धीराणाम, धीराणाम माने जिनका ज्ञान टिकाऊ है, मेधावी योगी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तृत ज्ञान देते हैं, वे लोग संयोग, ये देखो यह ना गलत कर दिया, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, असंभवात असंभवात उत्पन्न होने वाले, इसका अर्थ ये है आहु माने कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा जन्म लेता है, संयोग जन्य है, अन्यत एव और ही कार्य का, अन्यत माने और अन्य, इस प्रकार कहते हैं कि वो असंभवात आहु माने कहते हैं कि वो उत्पन्न नहीं होता। इसने गलत अनुवाद कर रखा है, इसका सीधा अर्थ बनता है कि कुछ तो संत भगत का कुछ लोग कहते हैं कि वो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने जन्म लेना, उस परमात्मा का जिक्र है कि उसके विषय में कोई तो कहता है कि वो जन्म नहीं लेता और कोई कहता जन्म लेता है। इस बात को तुम उनसे सुनो, यहाँ देखिए, हे मनुष्य जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, वे लोग संयोगजन्य कार्य से अन्यत एव और ही कार्य व फल आहु माने कहते हैं। संभवात्मन उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं, इस बात को सुनो। इसका कोई निष्कर्ष होया इस मोटे दिमाग के आदमी ने, ऋषि ने की अनुवाद कर रखे, बकवाद कर रखी। इसका सीधा सारथ है कि परमात्मा के विषय में कोई तो कहता वो उत्पन्न नहीं होता है, कोई कहता वो उत्पन्न होता है, इस ज्ञान को ये आहु माने कुछ ऐसा कहते हैं, अन्य कुछ ऐसा कहते हैं, और उसको तत्वदर्शी धीराणाम विद्वान पुरुषों से उनसे इस बात को तुम भी सुनो, उनसे सुनो। अब आगे देखो इसी का फिर 13वें में भी कहा है, 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय है ये और 13वां मंत्र है। हे मनुष्य जो विद्वान लोग हमारे लिए, जो तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल
आहू माने कहते हैं। पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल आहू कहते हैं। इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से धीरणा माने तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं ऐसा जानो। अब इसने तड़ंगा कर रखा था, पी के भांगा ठूठा लिख दिया जो समझ में आई सारा नाश कर गया। इसका सीधा सार बार में मैं स्पष्ट किया है कि जो मनुष्य अविद्याम, अविद्या माने जिसने अक्षर ज्ञान नहीं, और विद्याम यानी जिसको अक्षर ज्ञान है। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि अविद्या वाले को तो अविद्वान कह देते हैं, और जिसने दो अक्षर सीख लिए उसको विद्वान कहते हैं। कहते उससे अधिकतर अज्ञानी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य इसका विवरण बताया है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको तो अविद्या कह देते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की यह देखना बार 13 में स्पष्ट किया है, 10 से लेकर 13 में कर स्पष्ट है। हे मनुष्य, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक ज्ञान विस्तार से कहते हैं विद्या, विद्या माने पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है अक्षर ज्ञान हो गया वो विद्वान है, और अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है वो अविद्वान है। कहते हैं इस प्रकार उन आत्मज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे ऐसा जाना है कि वो बतावेंगे विद्वान और अविद्वान की तत्वदर्शी संत उनसे सुनो, सुरसुम माने सुनो। अब हम आते हैं 15वें श्लोक में, यही 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद का। इस 15वें में क्या कहा कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्यो समर किल्बे समर और कर्त्योम समर। ये महर्षि का अनुवाद देखिए भांग पीने वाले का। हे कर्त्यो माने हे कर्म करने वाले जीव तू, शरीर छूटते समय ओम, ये ओम स्पष्ट लिखा है संस्कृत में, ब्रैकेट में इसने वो मूल संस्कृत को लिया है, अनुवाद बाहर किया है। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, अड़ादी अड़ंगा स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर किल्बे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप करो, काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसब के साथ यानी किलबलाहट के साथ स्मरण करो, और मुख्य कर्तव्य जानकर अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर कर्म जानकर के भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए ओम का सेवन करो, भस्मांतम शरीरम शरीर छूटने तक इसका सेवन करो। और इसने अड़ंगा अड़ा दिया, इसने ये भी नहीं लिखा कि ओम का सुमन करो, नहीं, हे कर्म करने वाले जीव तू, कर्तव्य माने कर्म करने वाले, इसका अर्थ है कि ओम काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना परम कर्तव्य जानकर सिमरन करो। और यू कहे ओम नहीं सिमरन करना, ओम ब्रैकेट में ले लिया, इस नाम वाच्य ईश्वर को सिमरन कर। अब यू कहे ओम जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका सिमरन कर। और इसमें स्पष्ट क्या है, ओम का जाप कर। अब यहाँ युद्ध अनाड़ी था, इसने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये ले लिया कि ओम नाम का जाप बताया है। लेकिन ये भी समझ में ना आई कि इसमें तो लिखा काम करते करते सिमरन करना है, कि तठियों का जिक्र भी नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी उस आकाशवाणी से जो काल ने की थी कि तप करो तप करो, उससे घना प्रभावित हो गया और वेदों को समझ नहीं सका। अपरमात्मा कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रह अज्ञानी, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। अब ये थोथा भूस छड़े थे बाजरे के बूंबड़े पर लठ मारे थे, या धान की प्राल पर लठ मारे थे, उसमें से कनक ढूंढे थे, धान ढूंढे थे, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना मनमाना आचरण करके भूस कूटना है,